हैं जावेद इकबाल एवान। पाइथन की सीरीज़ में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुपिटर की इंस्टॉलेशन, और इसके अलावा जो हम वेरिएबल्स कमेंट्स वगैरह प्रैक्टिकली हम लोग काम स्टार्ट करेंगे पाइथन पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने जैसे पिछली रिकॉर्डिंग में मैंने आपको समझाया था कि हमें आईडीज की ज़रूरत पड़ती है पाइथन पे काम करने के लिए, तो नॉर्मली ये टॉप फाइव मैंने आईडीज के नाम आपको बताए थे, जिसमें एक जुपिटर नोटबुक भी था और इसके अलावा जो है पाइचाम वगैरह भी था, स्पाइडर भी था। तो आज मैं जो काम करूँगा उसमें मैं जुपिटर नोटबुक पे काम करूँगा, जिसमें मैं आपको पाइथन की कोर और डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस और मैथमेटिक्स में नंपाई वगैरह, एरे वगैरह और पांडास की लाइब्रेरीज़ वगैरह हम सब जुपिटर पे करेंगे। और इसके बाद जो है वो जब हम वेब पर आएंगे तो फिर वेब पे जो है मैं पाइचाम पे काम करूँगा। ये मैं पिछली रिकॉर्डिंग में आप लोगों को समझा चुका हूँ कि क्यों हम इन आईडीज़ पे काम करेंगे और इनका मैं बेनिफिट वगैरह आपको बता चुका हूँ। तो आज सबसे पहले जो हमारा मेरा टारगेट है वो ये है कि जुपिटर आपको इंस्टॉलेशन का तरीका आना चाहिए कि जुपिटर अपने नोटबुक को इंस्टॉल कैसे करना है। लेकिन यहाँ दो तरीके होते हैं जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करने के। पहला तो jupyter.org की आपके पास जो है वो साइट है, अगर आप गूगल पे आप आते और आप लिखते थे जुपिटर नोटबुक डाउनलोडिंग तो आपको जो साइट मिलेगी वो jupyter.org की साइट मिलेगी। आप यहाँ से रहते हुए भी जुपिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों तरीके बताऊँगा मैं आपको इंस्टॉलेशन करने के। यहाँ पे अगर आप काम करते जाइए, आप आए जो डाउनलोड के बटन प्रेस किया तो हमारे पास जो है वो ये साइट आ गई है इंस्टॉल, नहीं तो अगर ये साइट नहीं आया आप सिर्फ jupyter.org अगर आती है तो इस पर इंस्टॉल का बटन प्रेस करेंगे तो देन आपके पास यहाँ पे जो है वो इंस्टॉलेशन के तरीके वो आपको बताएगा। और अगर मज़ीद डिटेल आपको चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ भी आप डिटेल ले सकते हैं कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंस्टॉलेशन के तरीके वगैरह क्या है और इसकी जो है वो यूज़र गाइड वगैरह भी इससे मौजूद है। तो अगर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आप इसके थ्रू जुपिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए पाइथन के दो वर्जन बता रहा है। अगर आपके पाइथन 2 इंस्टॉल है तो देन आपने ये तरीके यूज़ करना है इंस्टॉलेशन के, और अगर पाइथन 3 आपके इंस्टॉल है तो आपने ये भी इंस्टॉल करना है। तो कैसे इससे इंस्टॉल करते हैं, पहले तो मैं बताऊँगा कि जब हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पाइथन हमारी किस जगह पर इंस्टॉल होती है, किस फोल्डर में इंस्टॉल होती है, और हम ये जो कमांड है ये cmd के थ्रू चलती है, cmd के थ्रू इस कमांड को हमें चलाना पड़ता है। तो लेकिन इसका एक दूसरा आसान तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि जिसमें हमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, जैसे एनाकोंडा के थ्रू मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाऊंगा जुपिटर की, वो ज़्यादा बेहतर आसान तरीका है। लेकिन मैं दोनों तरीके आपको समझा रहा हूँ। तो पहला ये तरीका हमारे पास है, तो अगर मैं इस पर काम करना चाहता हूँ तो पहली बात है कि हमारे पास कहाँ मौजूद है, तो सी में अगर हम आते हैं तो सी ड्राइव में यूज़र्स के नाम से एक फ़ोल्डर होता है आपके पास विंडो में। उस यूज़र्स के फ़ोल्डर में जो आपका जो कंप्यूटर नेम आपका अपना जो अकाउंट है उसके नाम से फ़ोल्डर होगा, जैसे मेरे पास DCS के नाम से फ़ोल्डर है। तो अगर मैं इस फोल्डर के अंदर जाते हैं तो इस फोल्डर के अंदर हमारे पास ऐप डेटा का एक फ़ोल्डर होता है। ये ऐप डेटा का फोल्डर आपका बाय डिफॉल्ट हिडन होता है। अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा हो तो अब आपने क्या करना है कि टूल्स में जाके फोल्डर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ देखिए आपके पास मैंने हिडन फाइल्स को शो किया हुआ, अगर मैं इसको शो नहीं करता हूँ तो ये मेरे पास फोल्डर जो है यहाँ से ऐप डेटा का फोल्डर यहाँ से हट जाएगा। तो मैं मुझे चूँकि इस फोल्डर के अंदर जाना है और इसकी लोकेशन मुझे आपको समझानी है तो फिर मैं यहाँ पे फोल्डर ऑप्शन में आके और यहाँ पर आके इस हिडन फोल्डर को मैं ओपन करूँगा तो सारे हिडन फोल्डर हमारे पास आ जाएंगे, जिसमें ऐप डेटा का एक फोल्डर जो कि हिडन है वो भी आ जाएगा। तो आपने ऐप डेटा के फोल्डर में जाके देखना है कि पाइथन हमारी कहाँ इंस्टॉल होती है। तो ऐप डेटा के अंदर आते हैं हम, लोकल का एक फोल्डर होता है, लोकल के फोल्डर के अंदर हमारे पास प्रोग्राम्स के नाम से फोल्डर होता है। अब इस फोल्डर में जाएंगे तो देखिए पाइथन आपके पास इंस्टॉल है, पाइथन का फोल्डर मौजूद है और यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपने पाइथन का कौन सा वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे 3.7.4 इंस्टॉल किया हुआ है तो यहाँ देखिए इस नाम से जो है उसने फोल्डर का नाम दिया हुआ है। और अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो स्क्रिप्ट में आता हूँ तो जो इसके अंदर फाइलें इंस्टॉल की हुई है वो सारी इसके अंदर आ रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपल इस पूरे पाथ को जो है वो कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद अगर आप इसके थ्रू जो मैंने अभी आपको बताया इस वेबसाइट के थ्रू यानी इस कमांड के थ्रू आप जुपिटर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो फिर आपने उसको कॉपी करके cmd में आना है कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। cd की कमांड लगानी, फोल्डर में जाने के लिए हमें cd की कमांड लगानी पड़ती है, और फिर इसके बाद आपने इसको पेस्ट कर देना है। लेकिन आपको इस कमांड के अंदर ले जाएगा। अब यहाँ पर आके आप इसके थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है python.exe और इसके बाद आपने ये वाली कमांड, अगर आपके मेरे चूँकि मेरे पास पाइथन 3 से ऊपर का वर्जन है
तो पाइथन 3 की सीरीज़ का वजन है, तो फिर मैं ये वाली कमांड जो है यहाँ से कॉपी करके और आपने यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। यानी पहले आपने पाइथन डॉट एक्जी लिखना होगा, फिर स्पेस देके आपने इस कमांड को पेस्ट करेंगे, और जैसे एंटर करेंगे तो ये पाइथन इंस्टॉल करेगा। ऑलरेडी चूँकि मेरे पास इंस्टॉल है पहले से, जुपिटर में इंस्टॉल करेगा, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो पहले इसको अनइंस्टॉल करेगा और उसके बाद इसको इंस्टॉल करेगा। तो पहले आपने इसको इस कमांड चलाएंगे तो ये इसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करेगा पाइथन को, और इसके बाद फिर आपने इसके बाद ये वाली कमांड, उसमें पाइथन डॉट एक्जी नहीं लिखेंगे, जुपिटर इंस्टॉल करने के लिए आप ये कमांड, जब वो रन हो जाएगी फिर आप ये वाली कमांड इस्तेमाल करेंगे, तो देन उस सूरत में क्या होगा कि आपको जुपिटर इंस्टॉल कर देगा। एक तो ये तरीका होता है इंस्टॉल करने का। तो जब हम इस तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हैं, जुपिटर नोटबुक तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन बहुत सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होती, जो हमें फर्दर साथ साथ इंस्टॉलेशन करनी पड़ती। जैसे हमें पता है जुपिटर जो है एआई के लिए भी इस्तेमाल होती है, मशीन लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल होती है, इसके अलावा जो है वो मैथमेटिक्स के फार्मूले, पांडास की लाइब्रेरीज, ये सारी लाइब्रेरीज जो है वो हम जुपिटर पर इस्तेमाल करते हैं डेटा साइंस पे काम करने के लिए। तो उन सब लाइब्रेरीज की मुझे ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है। तो देन उस सूरत में क्या होता है, अगर आप यू इंस्टॉल करेंगे तो आपको अलग अलग सब लाइब्रेरीज को भी बाद में इसके पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि सारे पैकेजेस मेरे पास एक साथ ही इंस्टॉलेशन हो जाए, तो फिर हमारे पास होता है एनाकोंडा। तो आपने यहाँ पे आके गूगल पे आके एनाकोंडा को इंस्टॉल करना है। एनाकोंडा बेसिकली पाइथन के लिए बनाया गया है और पाइथन का पैकेज कहलाता है हमारे पास। तो anaconda.com की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ से आके आपने सिंपल डाउनलोड का बटन प्रेस करना है, बल्कि इससे पहले आपने यहाँ पे वर्जन बताना है। अब जैसे मैं विंडोज़ पे काम करना चाहते हैं, आपने विंडोज़ सेलेक्ट किया, तो ये विंडोज़ पे आपको कह रहा है कि अगर विंडोज़ में इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं आप, तो देन उस सूरत में अगर आपका पाइथन 3.7 इंस्टॉल है तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। अगर 64 बिट है आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम तो देन इसको इंस्टॉल करें, 486 MB का है। अगर 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 418 MB का, 418 MB का आपके पास है अगर आपका पाइथन 3.7 इंस्टॉल है तो। और अगर आपका पाइथन 3.7 इंस्टॉल नहीं है, अगर आपको इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल कर भी देगा, 3.7 पाइथन भी इंस्टॉल कर देगा और साथ में जो है एनाकोंडा वगैरह भी इंस्टॉल करेगा, कोंडा भी इंस्टॉल करेगा। कोंडा के अलावा जो है ये आपके पास जुपिटर नोटबुक भी इंस्टॉल करेगा, फिर आपके पास जो लाइब्रेरीज है जैसे नम पाई हो गया, ये जो खास लाइब्रेरीज हमें ज़रूरत पड़ती है, पांडाज हो गया, ये सारी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करेगा। पूरा पैकेज है, ये पूरा पैकेज है, इसके अंदर तमाम लाइब्रेरीज भी आ जाएंगी, पाइथन भी इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको फर्दर बाद में जुपिटर नोटबुक को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें फर्दर लाइब्रेरीज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, चंद एक ऐसी लाइब्रेरीज है जो कि इसमें नहीं होती, तो फिर उनको आप सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डेटा साइंस पर काम करना चाहते हैं, आप मशीन लर्निंग में काम करना चाहते हैं, या आप जो है वो AI पे काम करना चाहते हैं, तो देन फिर वो सारी लाइब्रेरीज जो है वो कॉमन जो लाइब्रेरीज है वो उसके साथ इसी पैकेज के अंदर ही मिलेगी। और जब जुपिटर इंस्टॉल हो जाएगा तो जुपिटर इंस्टॉल होने के बाद आपके पास जो है वो यहाँ पे आपने आके स्टार्ट प्रोग्राम में आके आपने लिख देना है जुपिटर। जुपिटर बेसिकली क्या है, आपके पास ID है लेकिन ब्राउज़र बेस्ड ID है, यानी ये है ऑफलाइन है, इसके लिए नेट का होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिकली जो रन होती है और ये आपके पास कोड आपका लेती है वो ब्राउज़र पे लेती है। तो आपने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लेंगे तो पहले इसका CMD रन करेगा और उसके बाद डायरेक्टली देखें ये आपके पास ने ब्राउज़र पे इसको रन कर दिया। अब ये जुपिटर आपका इंस्टॉल रन हो गया, यानी इंस्टॉल होने के बाद जुपिटर आपका रन हो गया। तो आपने यहाँ पर आके अब कैसे काम करना है जुपिटर पे, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर मैं जुपिटर पे एक फ़ाइल क्रिएट करना चाहता हूँ और उस पर काम करना चाहते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपको सारी फाइलें शो कर रहा है, जो ऑलरेडी बनी हुई फाइल है मेरे पास है वो यहाँ पे शो कर रहा है, जैसे अनटाइटल्ड के नाम से है। इस तरह से और भी फाइलें जो अगर हम बनाते रहेंगे वो यहाँ पे शो होती रहेगी, फर्दर आपको उसमें काम करना है तो उस फाइल को क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। और अगर मैं एक न्यू फाइल बनाना चाहते हैं तो अपने न्यू पे आना है और पाइथन 3 इसको सिलेक्ट करना है। पाइथन का कोड लगाना चाहते हैं तो आपने पाइथन 3 सिलेक्ट किया, तो अब आपके पास नई विंडो खुल गई और यहाँ पे देखिए अनटाइटल इसका नाम दिया। अगर मैं इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है और जो भी नाम देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा एक मिसाल है, हमने कहा पाइथन कोर के नाम से मैं इसको फाइल बनाना चाहता हूँ, तो आपने इसको रीनेम कर दिया तो ये रीनेम हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आके अपना कोड लिखेंगे, जो भी पाइथन का कोड लिखेंगे और इसको रन करने के लिए आप यहाँ तो या तो रन का बटन प्रेस करेंगे या फिर स्पेस एंटर, यानी कमांड लिखने के बाद जब स्पेस एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका कोड कंपाइल हो जाएगा और आपको यहीं पे इसी विंडो पे आउटपुट भी दे देगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम पाइथन में कोई भी काम करते हैं, अगर हम कोई भी चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं पाइथन के अंदर, तो सिंपल आपने प्रिंट लिखना है
इसके बाद आपने पैरेंथेसिस ओपन करने हैं, और अगर आप चूँकि प्रिंट जो भी कुछ लिखते हैं हमें पता है कंप्यूटर में उसको हमें स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, तो स्ट्रिंग देने के लिए आप देखिए यहाँ पे इनवर्टेड कॉमास में भी लिख सकते हैं और चाहे तो सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने कुछ भी लिख दिया, हमने कहा चला हेलो वर्ल्ड, ठीक है जी। अब मैं इसको रन करना चाहता हूँ, तो चाहे तो आप ये रन का बटन प्रेस करेंगे तो भी आपके पास देखिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा। ये आपको देखिए आउटपुट आ गया इसका, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पर आके स्पेस एंटर करूँगा तो भी मेरे पास आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। मैंने इनवर्टेड कॉमास में लिखा उसमें भी आ रहा है हमारे पास, अगर मैं सिंगल कोट में लिखूंगा तो सिंगल कोट में भी इसको मुझे आउटपुट देगा, ठीक है ना, फ्रॉम पाइथन। तो अब जैसे मैं अगर स्पेस एंटर करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे भी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है जी। चाहे आप स्पेस एंटर से रन करें, चाहे आप रन के बटन प्रेस करें, दोनों सूरत में आपको आउटपुट दे देगा। कमेंट्स कैसे लगते हैं पाइथन में? कमेंट्स पाइथन में लगाने के लिए हैश का साइन लगता है, यानी अगर आप एक लाइन में कमेंट्स देना चाहते हैं तो हैश का साइन यूज़ होता है। हमने लिख दिया दिस इज़ कमेंट, तो ये कमेंट हमारे पास लग गया। अच्छा, हम लाइन के साथ भी कमेंट लगा सकते हैं। आप जैसे देखें मैंने यहाँ पे कमेंट किया, अभी मैं एंटर कर देता हूँ तो उसने इसी रन नहीं किया, एंटर करके नीचे ले आया। अब जैसे मैंने कहा मिसाल, हमने कहा प्रिंट और मैंने कह दिया जावेद, ठीक है जी। अच्छा, मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी कमेंट दे सकता हूँ, यानी इसमें सेम लाइन में भी दे सकते हैं, जो कि बड़ा बेहतरीन एडवांटेज है। हमने कह दिया माय नेम, तो हम यूँ भी कर सकते हैं। आपने स्पेस एंटर करके रन कर दिया, आपके पास आउटपुट आ गया। तो उस कमेंट लगाने के लिए आपको हैश का साइन लगता है, हैश का साइन लगा के आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट की शक्ल में आ जाएगा। उस कमेंट को आप अलग से भी लिख सकते हैं और कमेंट को आप कोडिंग की लाइन के अंदर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं मल्टी लाइन कमेंट देना चाहता हूँ, एक से ज़्यादा लाइन पे कमेंट देना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हम तीन दफ़ा अपने स्टेरिक लगाना है, ठीक है जी। नहीं, तीन दफ़ा अपने इन्वर्टेड कॉमास लगाना है। आप तीन दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे, अब आप जो भी लिखेंगे उसका मतलब आप कोई बड़ा कमेंट देना चाहते हैं पैराग्राफ की शिकल में, या एक से ज़्यादा लाइनों पर देना चाहते हैं। हमने कहा दिस इज़ कमेंट और फिर मैंने एंटर कर दिया और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ फ्रॉम मल्टी लाइन कमेंट और नॉट रीडेबल बाय कंपाइलर, कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसके बाद आप यहाँ से बाहर आ जाएं, तो इसका मतलब अब वो मल्टी लाइन कमेंट्स आपके पास हो गए, तो आप तीन दफ़ा इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमास अपने तीन दफ़ा लगाने हैं तो मल्टी लाइन कमेंट्स जितना देना दे सकते हैं, सिंगल लाइन करना है तो हैश का साइन आता है। अब इसके बाद आप कोई भी काम करना चाहे हम कर सकते हैं। हमने कहा प्रिंट, हमने कह दिया हेलो, ठीक है जी। तो स्पेस एंटर कर दिया, हमारे पास इस तरह से आउटपुट आ गया। इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट्स लगाते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक है वह है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो पुराने प्रोग्रामर्स हैं उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है वेरिएबल, लेकिन जो नए लोग जिन्होंने कभी प्रोग्रामिंग पे काम नहीं किया, और स्पेशली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, खैर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को तो इसकी लाजमी बात, इसकी डेफिनेशन वगैरह, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर ही होते हैं। लेकिन अगर एक नया बंदा है जिसने कभी प्रोग्रामिंग काम नहीं किया, वो भी अगर सीखना चाहता है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं कि मैं इसके लिए आपके पास जो है वो चंद नोट्स आपके साथ शेयर करूँगा। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल बेसिकली क्या होता है? अगर मैं कोई भी डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, टेम्प्रेरी स्टोर करना चाहते हैं हम किसी भी डेटा को, तो इस पर्पज़ के लिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। यानी वेरिएबल्स आर कॉन्टेंट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। यानी वेरिएबल्स क्या है? कंटेनर है डेटा को स्टोर करने के लिए, टेम्प्रेरी स्टोर करता है और रैम के ऊपर जाके इसको जो है स्टोर करता है, ऑब्जेक्ट बनाता है और वहाँ पे जाके इसको स्टोर करता है। अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अच्छा वेरिएबल जब अगर मैं किसी भी और लैंग्वेज में बनाऊँगा, इवन किसी भी लैंग्वेज में, एक्स वाई जेड किसी में, चाहे जावास्क्रिप्ट पे बनाना चाहते हैं या हम सी पे या सी प्लस प्लस पे या फिर हम PHP पे या पर्ल पे, तो बेसिकली क्या होता है वेरिएबल बनाने के लिए कोई कीवर्ड लगता है। अब जब जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं तो हम वार यूज़ करते हैं, एनोनिमस जीरो टाइप के लिए इस्तेमाल होता है। हम सी और सी प्लस प्लस पे, सी शार्प पे, जावा पे काम करना चाहते हैं तो फिर हमें डेटा टाइप देनी पड़ती है उस वेरिएबल को बनाने से पहले। लेकिन पाइथन में हमको मैं उसने हर चीज़ को हटा दिया, बोला किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वेरिएबल का नाम दो। यानी अनलाइक
अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पाइथन हैज़ नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। कोई जैसे PHP में काम करते थे डॉलर का साइन लगता है, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में काम करता हूँ तो वार लगता है, लेकिन यहाँ पे ना डॉलर का साइन है ना वार का साइन है ना डेटा टाइप है, कुछ भी नहीं देना। आपने सिंपल वेरिएबल का नाम दे देंगे और उसके बाद आपने उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है जी। अ वेरिएबल इज क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। जैसे वेरिएबल क्रिएट होता है आप कोई भी वैल्यू उसमें असाइन करना चाहे तो सेम लाइन में आप उसको वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। फिर आते हैं वेरिएबल का नाम क्या दिया जाए, ये भी उन लोगों के लिए बताऊंगा जो बिल्कुल न्यू फ्रेश प्रोग्रामर है, जिस जो इस फील्ड में फ्रेश लोग हैं जो इस फील्ड में आए हैं और उनको नहीं पता कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए क्या क्या कंडीशन होती है, हम किस नाम से वेरिएबल रख सकते हैं। तो उनको बता रहा हूँ जो पुराने हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता कि जिससे हमारे पास किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो वेरिएबल बनाने की जो शर्तें हैं जो रोल है अपना रूल है वेरिएबल्स असाइन करने के लिए वही सारे पाइथन भी इसको फॉलो करता है कि आपने वेरिएबल का नाम कुछ भी रखना चाहे रख सकते हैं। शर्त क्या है कि वो आपके पास बेसिकली जो है वो आपके पास शॉर्ट नेम होना चाहिए, अपने एक्स वाई रख दिया कि लंबा बड़ा नाम भी रख सकते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन नॉर्मली शॉर्ट नेम रखा जाता है। और जैसे आपने एज के लिए एज रख दिया, कार नेम रख दिया, टोटल वॉल्यूम रख दिया। फिर रूल्स क्या है पाइथन वेरिएबल्स बनाने के लिए, आपने कोई भी वेरिएबल के नाम रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन उसका पहला करेक्टर न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, अल्फ़ाबेटिक पहला करेक्टर आपका अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए ए टू जेड में। आप इसको जो है दे सकते हैं, कोई स्पेशल करेक्टर आपको अलाउ नहीं है, अंडरस्कोर अलाउ होता है, लेकिन स्पेशल करेक्टर आप नहीं दे सकते, डॉलर का साइन नहीं दे सकते, आप जो है वो हैश का साइन नहीं दे सकते, आप उसके अलावा जो है वो पर्सन का साइन नहीं दे सकते हैं, कोई कीवर्ड नहीं दे सकते हैं, ठीक है जी, कोई मेथड का नाम है वो नहीं दे सकते हैं। तो आपने कोई स्पेशल करेक्टर नहीं देना, आप कोई भी नाम रखें जो स्टार्ट करने के लिए पहला करेक्टर जो है वो लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट लेटर होना चाहिए, नंबर्स नहीं होना चाहिए। यानी हम 1A के नाम से वेरिएबल नहीं बना सकते, A1 के नाम से बना सकते हैं, नंबर आप बाद में दे सकते हो, पहला करेक्टर नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। हम अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर बीच में भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, जैसे आम लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे वेरिएबल जो है आपका केस सेंसिटिव है। अगर आपने यहाँ पे अगर नेम के नाम से वेरिएबल बनाया है या आपने एन कैपिटल करके बनाया है या कैपिटल लेटर में बनाया है, तीनों डिफरेंट तीन वेरिएबल्स होंगे। अगर आपने स्मॉल लेटर में बनाया है तो कैपिटल में नहीं कॉल कर सकते हैं, जैसे हमारे पास तमाम लैंग्वेजेस में ऐसा ही है, सीम से लेके और आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएँ सब जगह ऐसा ही होता है कि वेरिएबल आपका केस सेंसिटिव होता है, जिस फॉर्म में आपने बनाया होता है उसी फॉर्म में आपने उसको कॉल भी करना होता है। तो वेरिएबल्स बनाने की शर्तें होती हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जब हम यहाँ पे टाइप डेटा टाइप नहीं देते तो वो वेरिएबल क्या होता है, अब देखिए मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, मैं एक्स के नाम से बनाता हूँ, तो आपने सिंपल एक्स लिख दिया। अब x की वैल्यू आपने इक्वल करके यहाँ पे x का जो है वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब उसकी वैल्यू हम डिक्लेयर कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं, यानी x का वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ अब उसको हम वैल्यू डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको वैल्यू इनवर्टेड कॉमास में या सिंगल कोट में लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल हमने कहा मिसाल जावेद, तो x एक वेरिएबल बन गया, उसकी वैल्यू जो है जावेद हो गई, तो ये ऑटोमेटिकली इसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, ऑटोमेटिकली इसको स्ट्रिंग लेगा। अगर मैं इसको सिंगल कोट में देना चाहूँ तो इसको भी स्ट्रिंग लेगा। हमने कहा एक मिसाल है फॉर एग्जाम्पल हमने कह दिया एजुकेशन, तो इसको भी वो स्ट्रिंग ही लेगा। अगर मैं नंबर्स देना चाहता हूँ, अगर मैंने इसको नंबर पास कर दिया 258, और बेसिकली क्या होगा इस नंबर हम जो दे रहे हैं इस नंबर्स के अंदर कोई डेसिमल नहीं है, तो सोचो ये राउंड फिगर नंबर है, तो वो इसके लिए इंटीजर असाइन करेगा, इंटीजर की डेटा टाइप लेगा। अच्छा, इसमें कोई टर्मिनेटर नहीं लगता, कोई लाइन ब्रेक नहीं लगती, कोई सेमी कॉलन आपने नहीं लगाना, कोई टर्मिनेट नहीं करना लाइन को, उसकी आपकी ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब ये देखिए तीन वेरिएबल बन गए, एक्स एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू भी स्ट्रिंग है, वाई है उसकी टाइप भी स्ट्रिंग ही है, जेड है उसकी टाइप वो एज ए इंटीजर लेगा। और अगर मैं यहाँ पर आके एक और लेता हूँ और उसको मैं डेसिमल वैल्यू देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इसको एज ए फ्लोट लेगा, यानी ऑटोमेटिकली इसको फ्लोट लेगा। तो बेसिकली जो इसकी टाइप होती है वो कौन कौन सी टाइप होती है मैं आपको समझाता हूँ कि हम किस तरह की टाइप दे सकते हैं। तो पाइथन नंबर से जो टाइप लेता है बेसिकली तीन तरह की टाइप्स लेता है। अगर उसको राउंड फिगर नंबर मिलेगा वैल्यू मिलेगी तो उसको इंटीजर की रेंज में रखेगा,
अगर उसको डेसिमल फिगर मिलेगी तो उसको फ्लोट की रेंज में रखेगा। और अब इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स भी दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप्स होती है इंजीनियरिंग लेवल्स के लिए होती है, जिसके अंदर हम 1A 1Y या 1J करके इसको वैल्यू दे सकते हैं, इंजीनियरिंग लेवल में इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए कॉम्प्लेक्स टाइप भी इसके अंदर सपोर्ट होती है। तो तीन तरह की न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होती है। अब जब हमने पास कर दिया तीनों आ गई, अब मैं इसका प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैंने कहा प्रिंट, मैं प्रिंट करवा देता हूँ, मैंने कहा एक्स, तो एक्स से प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से मैंने कहा प्रिंट, मैंने वाई का प्रिंट ले लिया, और फिर हमने यहाँ पे प्रिंट दे दिया जेड का, तो कोई कास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। हमने कहा प्रिंट कर दो आर का, तो आर का प्रिंट होगा। अब मैं स्पेस एंटर करके रन करता हूँ तो देखो तीनों का आउटपुट आ गया। जावेद कैसे आउटपुट दिया, एजुकेशन का आउटपुट दिया, और यहाँ पे इसने जो है वो 258 का आउटपुट दे दिया, और यहाँ पे 147.52 का आउटपुट दे दिया। इसका मतलब है जो वैल्यू उसको मिली उसने उस वैल्यू के हिसाब से उसने क्या किया कि उसकी टाइप असाइन की। अगर उसको स्ट्रिंग में मिला, इनवर्टेड कॉमास में मिला, या सिंगल कोट में मिला, तो उसने उसको एज ए स्ट्रिंग की टाइप असाइन कर दी है। अगर उसको नंबर मिला, राउंड फिगर में नंबर मिला विदाउट डेसिमल के, तो उसने उसको इंटीजर की टाइप में जो है उसको असाइन किया, उस वैल्यू को उसने स्टोर किया। अगर उसको डेसिमल में मिला तो उसने फ्लोट के तौर पर उसको स्टोर किया। और रिटर्न लेने के लिए प्रिंट का सिंपल मेथड है, हम इस तरीके से उसको रिटर्न ले सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वेरिएबल्स किस तरह से हम देते हैं और किस तरह से हम इसके अंदर काम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल्स नेम की मैंने आपको बता दिया, वेरिएबल्स नेम की शर्त है। अब पाइथन के अंदर जो वैरायटी है मैं उसकी बात करता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, जैसे अब दूसरी लैंग्वेज में नहीं है, जैसे अब जैसे मैं यहाँ पे तीन वेरिएबल लिए, मैंने कहा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब इस तीनों वेरिएबल्स को मैं तीन डिफरेंट वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, हमने कहा मिल्क। ठीक है जी। अब इसके बाद मैंने कॉमा लगाया और मैंने जहाँ वैल्यू पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल है ब्रेकफास्ट, और तीसरे में आके मैंने पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल है फ्रूट। अब क्या होगा जब हमने इसको तीनों वैल्यू असाइन कर दी, एक्स की वैल्यू वो मिल्क ले लेगा, वाई की वैल्यू वो ब्रेकफास्ट ले लेगा, और जेड की वैल्यू वो फ्रूट्स ले लेगा। अब देखिए मैं तीनों का आपको प्रिंट देता हूँ, बल्कि मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ इसको, मैंने तीनों यही लिए हुए। अब यहाँ देखें, जब मैं स्पेस एंटर करता हूँ तो देखें एक्स की वैल्यू मिल्क उसने ली, वाई की वैल्यू उसने ब्रेकफास्ट ले ली, और जेड की वैल्यू उसने फ्रूट्स ले ली। यानी आप चाहो तो एक ही लाइन में एक से ज़्यादा वेरिएबल बना सकते हो, कॉमन लगाते जाओ, ये हर लैंग्वेज में होता है। लेकिन मैं जो वैल्यू दूंगा वो ऑटोमेटली एरे की तरह से वैल्यू क्रॉस हो जाए, ये सिर्फ पाइथन और आर लैंग्वेज वगैरह में है कि आप डायरेक्टली जो है वो चंद एक और भी लैंग्वेजेस में है कि आप और इस तरीके से आप वैल्यू दे सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू मिल्क हो जाएगी, वाई की वैल्यू ब्रेकफास्ट हो जाएगी, और जेड की वैल्यू फ्रूट्स हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास वैरायटी है। अच्छा, अगर मैं तीनों वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू देना चाहता हूँ, हमने कहा एक्स वाई और जेड, और तीनों वेरिएबल को मैंने एक ही वैल्यू पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल है जावेद, तो इसका मतलब है तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू एक ही होगी। अब जब मैं इसका प्रिंट लूँगा एक्स का वाई का जेड का, तो मुझे तीनों की वैल्यू जावेद ही मिलेगी बस। अच्छा सॉरी, एक्स नहीं, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड देंगे ना, कि एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू के बराबर कर रहा हूँ, वाई की वैल्यू जेड के बराबर कर रहा हूँ, और तीनों की वैल्यू मैं जावेद की वैल्यू देना चाहता हूँ। तो देन उस सूरत में, अच्छा देखिए एरर इसमें इस तरीके से आता है कि अगर आपके कोई भी अगर आपने मिस्टेक की होगी तो फिर वो आपको यहाँ पे समझाएगा कि आप जो वैल्यू दे रहे हो ये बेसिकली जो है वो चूँकि आपने कॉमा लगा दिया, तो फिर तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, तो इसको तो तीन वैल्यू रिक्वायर्ड है, कि जब तीन वेरिएबल बन रहे हैं तो इसको मतलब तीन को तीन वैल्यू इसको रिक्वायर्ड होगी कि भाई आप उन्हें वैल्यू क्या देना चाहते हो। लेकिन अगर मैं वैल्यू क्रॉस करना चाहता हूँ कि एक्स की वैल्यू वाई के बराबर हो जाए, वाई की वैल्यू जेड के बराबर हो जाए, और तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो मैं स्ट्रिंग वैल्यू या नंबर वैल्यू देना चाहता हूँ उसके बराबर हो जाए, तो देन इस सूरत में हम इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। अब देखिए मैंने रन कर दिया, तो तीनों की वैल्यू, तीनों का एक्स वाई जेड, तीनों का मैंने प्रिंट लिया, तो तीनों की वैल्यू जावेद थी, तीनों की वैल्यू उसने जावेद प्रिंट कर दिया। अगर इसकी वैल्यू मैं नंबर देना चाहता हूँ तो वो भी दे सकते हैं। हमने कह दिया एक मिसाल है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी,
और इक्वल टू मैंने दे दिया इसको, एक मिसाल है 369। तो अब मैं यहाँ पर आके अगर मैं तीनों का प्रिंट लेता हूँ तो मैं तीनों का प्रिंट लूँगा, तो मेरे पास जो है वो सॉरी ABC हमने यहाँ पर दे दिया, A का प्रिंट लिया, फिर तो मैं यहाँ पर B का लूँगा, और फिर मैं यहाँ पे आके C का प्रिंट लूँगा, तो मुझे तीनों का प्रिंट आ गया। तो सो नंबर्स की वैल्यू भी ऐसे दे सकते हैं, डेसिमल फिगर वैल्यू भी ऐसे दे सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ वैसे बात करूँगा पाइथन के अंदर जो वैरायटी है उस वेरिएबल्स के लिए, उसकी बात करेंगे। बाकी नॉर्मली जो है वो आपको मालूम है, क्योंकि आप किसी भी लैंग्वेज से आएंगे, या अगर आपको स्टार्टिंग से भी जानना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं इनिशियल तरीके से सिखा रहा हूँ, जिसको नहीं पता वो भी इस पर काम कर सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाते हैं, अगर मैं अपेंड करना चाहते हैं, हम कोई भी वैल्यू को इसमें अपेंड करना चाहते हैं, जैसे मैंने लिखा एक मिसाल है, हमने कह दिया एक वेरिएबल ले लिया हमने, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक्स वाई के नाम से वेरिएबल ले लिया, और उसको मैंने एक वैल्यू पास कर दिया, हमने कहा एक मिसाल कुछ भी दे दिया, हमने कहा जावेद, ठीक है जी। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट के दौरान मैं इसके साथ कुछ अपेंड करना चाहते हैं, तो हमने ये पहले तो ये वेरिएबल ले लिया, हमने एक्स वाई ले लिया, तो अपेंड करने के लिए नॉर्मली जैसे प्लस का साइन लगता है, तो हम यहाँ पर भी प्लस का साइन लगा के ट्राई करते हैं कि क्या प्लस का साइन इस पर चलेगा। और इसके साथ मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पे ऐड करने के लिए सिंपल स्ट्रिंग लिखा, और मैंने कहा चले, हमने कहा मास्टर ट्रेनर, ठीक है जी। अब जब मैं यहाँ पर आके शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो देखिए मेरे पास उसने क्या कर दिया, उसके साथ अपेंड कर दिया, यानी इसका मतलब है इसका बिहेवियर वैसे ही है जो दूसरी लैंग्वेज के अंदर है, कि प्लस का जो साइन है वो बेसिकली क्या करता है, दो चीज़ों को आपस में अपेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे भी प्लस का साइन ने वही काम किया, दोनों ने इसको उसने अपेंड कर दिया, चाहे मैं टेक्स्ट पहले लिख दूँ चाहे नंबर पहले लिख दूँ, और उसको जो आपस में जो है वो अपेंड कर देगा। अगर मैं दो स्ट्रिंग को अपेंड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने कहा एक्स एक वेरिएबल लिया और मैंने इसको वैल्यू पास कर दिया, हमने कहा जावेद, और इसी तरह से मैंने एक वैल्यू पास कर दी वाई और मैंने उसको वैल्यू दे दिया आवान। अब मैं इन दोनों को भी प्लस करना चाहता हूँ, और उसके लिए मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, हमने कहा जेड, और इसमें मैंने क्या कर दिया एक्स और वाई को आपस में प्लस कर दिया। और मैं अगर आगे प्रिंट लेता हूँ, हमने कहा प्रिंट कर दो जेड का, तो अब देखिए इसका बिहेवियर क्या है, दोनों को उसने आपस में प्लस कर दिया, स्ट्रिंग को आपस में प्लस करके अपेंड कर दिया, चाहे वो किसी नंबर्स के साथ हम उसको अपेंड कर रहे हैं, चाहे किसी अल्फ़ाबेट्स को आपस में अपेंड कर रहे हैं, और चाहे किसी नंबर्स को अपेंड प्लस कर रहे हैं, तो देन हर इसका बिहेवियर प्लस का काम जो है वो जो नॉर्मली अपेंड का होता है, कंजक्शन करता है, मिलाता है, दो चीज़ों को जोड़ता है, तो देन यहाँ पर भी वही कर रहा है, दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ रहा है। अगर मैं यहाँ पे आके दो नंबर पास कर देता हूँ, मैंने कहा ए इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू, मैंने कह दिया एक मिसाल है 9, और मैंने कहता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर मैं इसको आगे प्रिंट कर देता हूँ, मैंने कहा एक मिसाल है सी का मुझे प्रिंट दे दो। अब जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसने ए प्लस का साइन अब क्या कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको दोनों साइड पर नंबर्स मिले, जब दोनों साइड पर नंबर्स मिले तो उसने उसको कैलकुलेट कर दिया। अगर मैं यही काम कर देता हूँ, मैं यही वाला काम करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, वन साइड अगर नंबर पास कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया, मैंने कहा मिसाल है कुछ भी दे दिया, हमने कहा मिसाल है कराची, अब वो क्या करेगा, अब जब मैं रन करता हूँ तो उसने एरर दे दिया। सिंपल सी बात है, एक नंबर्स को आप अल्फ़ाबेट के साथ कैसे प्लस कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे तो उसको नंबर मिला, और जब नंबर मिला तो उसने बोला तो नंबर है, और जब उसको स्ट्रिंग मिला तो ये तो हो गया इसका नंबर, यानी नुमेरिक वैल्यू मिल गई, अब ये इसको स्ट्रिंग मिल गई। यहाँ देखे दोनों साइड पे नुमेरिक वैल्यू थी तो इसने नुमेरिक वैल्यू लिया, या दोनों साइड पे स्ट्रिंग वैल्यू थी तो इसने इसको अपेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे उसको नंबर्स और स्ट्रिंग मिलेगा तो ये क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा। बोलेगा कैसे पॉसिबल है इसको, हम कैसे कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। और अगर मैं यहाँ पे आके सी कॉमा भी कर देता हूँ, अब क्या हम इसको आउटपुट आता है, तो देखें इसने क्या किया, इन दोनों को साथ में लिख दिया, यानी मुझे तो नंबर भी चाहिए था, मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए था, तो मैं तो बेसिकली क्या चाह रहा था, दोनों को अपेंड करना चाह रहा था, तो वो पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि कोई लैंग्वेज हमें इसको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन यहाँ पे PHP हमें एक वैरायटी देता है कॉमा की, कि आप कॉमा लगा दो, जब आप कॉमा लगाओगे तो क्या करेगा, दोनों को साथ में इकट्ठा लिख देगा, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे कॉमा पास कर दिया, तो उसने दोनों को साथ में इकट्ठा लिख दिया।
फिर आ जाते हैं हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे थे, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैं आपको बता दूँ किस तरीके से लिखा जाता है, जैसे अब जेड का वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू मैं करना चाहता हूँ, मैंने कहा 1j कर दिया, तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू होती है, मैंने कहा प्रिंट कर दो सेट को, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट एंटर कर देता हूँ तो उससे 1j का प्रिंट कर दिया, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इंजीनियरिंग लेवल पे जो होते हैं उनके लिए काम आएगा, लेकिन आई थिंक AI वगैरह में हम इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिल वक्त हमें इसकी ज़रूरत नहीं जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन आप इसको प्रैक्टिस करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अब मैंने कहा यार मैंने तो बोला, आपने यकीन कर लिया कि भाई जो नंबर था उसने उसको इंटीजर लिया, डेसिमल फिगर मिली, राउंड फिगर मिली तो उसने इंटीजर लिया, डेसिमल फिगर को फ्लोट ले लिया, इन्वर्टेड कॉमास में मिली उसने उसको स्ट्रिंग ले लिया, क्या ये बात दुरुस्त है? ठीक है जी, अब मैं इसको देखना चाहता हूँ तो फिर कैसे लिखेंगे? अब जैसे मैं यहाँ पर आके जो हमने तीन डिफरेंट वैल्यूज दी थी उसको ले लेते हैं, जैसे ये, और जैसे मैंने इसको ले लिया, अब मैं यहाँ पर आके इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ इसकी टाइप क्या है। तो हम सिंपल प्रिंट करते हैं, हमने कहा प्रिंट कर दो, प्रिंट के अंदर आप दे दोगे टाइप, और टाइप के आर्गूमेंट में आके आप अपना वेरिएबल दोगे। मैंने कहा एक्स का बताओ मुझे, तो एक्स की टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, वाई की टाइप भी मैं जानना चाहूँगा, जेड की भी चाहूँगा और आर की भी चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे आके वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा एक्स दिया, फिर हमने कहा वाई, फिर हमने कहा जेड और फिर हमने कहा आर। अब जब मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो इससे क्या क्या देखें, स्ट्रिंग है, पहला स्ट्रिंग है, दूसरा भी स्ट्रिंग है, तीसरा इंटीजर रखा हुआ है इसने, और चौथे को इसने फ्लोट रखा हुआ है। यानी इसका मतलब क्या है कि जो मैंने आपको कहा था, यहाँ साबित हो गया, प्रूफ हो गया कि जो वैल्यू उसको कोटेशन में मिलती है, चाहे सिंगल कोट में मिले या इनवर्टेड कॉमास में मिले, वो उसको एज ए स्ट्रिंग लेगा, जो वैल्यू उसको नंबर से मिलेगी वो राउंड फिगर नंबर से मिलेगी उसको एज इंटीजर की रेंज में रखेगा, और जो डेसिमल फिगर में मिलेगी वो उसको फ्लोट में रखेगा। तो यहाँ पे यह साबित हो गया, एक तो चेक करने के लिए भी होता है, फिर दूसरा अगर यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसको पहले चेक कर लेते हैं कि आया वो इनपुट आ रहा है, किस फॉर्म में आ रहा है, तो फिर इस पर्पस के लिए भी ये मेथड बहुत काम का होता है। हम इफ़ की कंडीशन के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं कि अगर ये वैल्यू है, वैलिडेशन लगाना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वैल्यू जो है मुझे स्ट्रिंग नहीं मिले, तो हम इसको चेक करना चाहते हैं जो इनपुट आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, तो फिर आप यहाँ पर टाइप के ज़रिए से चेक करोगे, अगर वो वैल्यू उसके बराबर हुई तो डन, ठीक है, अदरवाइज़ आप वैलिडेशन के ज़रिए से, वैलिडेशन का रूल इस्तेमाल करते हुए कोई भी फॉर्म इफ़ की कंडीशन के अगेंस्ट में, एल्स में कोई भी मैसेज पास कर दो कि रॉन्ग वैल्यू का, तो अगर वो वैल्यू उसको नहीं मिलती तो वहाँ पर भी ये टाइप का मेथड हमारे बहुत काम का है, हमारे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अच्छा, अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर कैसे होता है? तो इसमें कन्वर्टिंग का ऑप्शन भी मौजूद है, हम कास्ट भी कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यू को, ठीक है जी। अच्छा, जैसे अब मैं यहाँ पर आके कोई भी मैंने वेरिएबल लिया, और मैंने यहाँ पे जैसे यही ले लेते हैं, हमने जो ऊपर भी लिया था, सॉरी, हमने जैसे लिया था एक्स लिया, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ ना, अब ये तीन वेरिएबल हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है जी, अब मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो कन्वर्ट करने के लिए जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया, जैसे मैं आई के नाम से वेरिएबल लेता हूँ ताकि मुझे पता रहे इसकी वैल्यू, मैं जो इंटीजर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ ना, मैं कहता हूँ इंट, और इंट करके मैं किसको देता हूँ, फ्लोट वाली वैल्यू को जो कि हमने यहाँ पास की हुई है जेड के वेरिएबल में, तो ये फ्लोट वैल्यू है। अब ये क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, कैसे, अब मैं देखिए प्रिंट कराता हूँ, हमने कहा प्रिंट आई, अब मैं इसको एंटर कर देता हूँ, तो देखिए इसने क्या कर दिया, जेड की वैल्यू जो कि बल्कि आर करते हैं क्योंकि फ्लोट वैल्यू आर के अंदर है, ठीक है जी। अब मैं इसको यहाँ पे आकर रन करता हूँ, देखिए इसने क्या कर दिया, इसको राउंड फिगर में यानी इंटीजर में कन्वर्ट करके जो इसकी वैल्यू थी 0.52, इसने इसको हटा के इसको क्या कर दिया, राउंड फिगर कर दिया। और अगर मैं इसको वैल्यू आके 0.9 दे देता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे आते हैं, तो भी उसने इसी भी करेगा, इसका मतलब ये डेसिमल के बाद आगे नहीं देखेगा, ये सिर्फ डेसिमल को स्किप कर देगा। अब ये इसका बिहेवियर है,
उसने तो ये है कि अगर 9 है तो उसको 148 में आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं करेगा, राउंड नहीं करेगा, राउंड वाला काम नहीं करेगा। लेकिन अगर जो भी डेसिमल होगी उसको हटा देगा और कास्ट कर देगा इस नंबर को इंटीजर बना देगा। अब देखिए ये नंबर इंटीजर हो गया, यहाँ से डेसिमल चली गई क्योंकि मैंने इंट के ज़रिए से इसको क्या किया, कास्ट किया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ न्यूमेरिक वैल्यू को फ्लोट्स के अंदर, अब न्यूमेरिक वैल्यू मेरे पास जेड में थी, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मैंने इसके लिए जो है मैंने एक वेरिएबल लिया पहले तो, और फिर वेरिएबल लेने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, फ्लोट लिख देता हूँ, और फ्लोट के आर्गूमेंट्स पे आके मैं राउंड फिगर जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी हमारी जेड के अंदर, मैं इसके अंदर जेड पास कर देता हूँ। अब क्या होगा, जो जेड की वैल्यू है जो कि हमारे पास जो है वो 258 है, जो कि इंटीजर की रेंज में थी, अब वो कन्वर्ट करेगा उसको फ्लोट की रेंज में और एफ़ के वेरिएबल में उसको असाइन कर देगा। तो अगर मैं कहता हूँ प्रिंट एफ, तो अब जो मुझे आउटपुट आएगा, देखें इसने क्या किया, 258 को 258.0 कर दिया, यानी इसने इसको फ्लोट की रेंज में ले लिया। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है वो कन्वर्ट करते हैं। फिर अगर मैं देखना चाहता हूँ आया जो कन्वर्ट हो गया है क्या वो वाकई कन्वर्ट हो गया, तो टाइप करके चेक कर लें, मैं इसको टाइप करके चेक कर लेता हूँ। मैंने कहा प्रिंट और बता दो टाइप, बताओ किसकी, हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया आई, तो आई की टाइप क्या है, और इसी तरह से हमने कहा प्रिंट टाइप बता दो किसकी, हमने कहा टाइप बता दें आप किसकी, एफ़ की, ठीक है जी, क्योंकि मैंने क्या किया आई के अंदर इंटीजर फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट किया है और एफ़ के अंदर मैंने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट किया, तो उसकी टाइप देख लेते हैं। तो अब ये क्या कहता है कि इसने क्या कर दिया, इसको इंटीजर बना दिया है, पहला वाला इंटीजर है ये, और दूसरे का इसने आउटपुट दिया उसको उसने फ्लोट बना दिया है। तो मतलब ये कन्वर्ट हो गया, अब इसकी वैल्यू कन्वर्ट हो चुकी है, अब वो इंटीजर फ्लोट नहीं रहा, और यानी फ्लोट जो है वो कन्वर्ट हो गया आपके पास इंटीजर में, और इंटीजर कन्वर्ट हो गया आपके फ्लोट में। तो उसने उसको टाइप भी बता दी कि वो आया वो इस टाइप में कन्वर्ट कर चुका है इसको, ठीक है जी। इस तरीके से जो है वो हमारे पास वेरिएबल्स बनते हैं। तो आज के इस टॉपिक में इसकी प्रैक्टिस करें, तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में फिर मैं आप लोगों को जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस हमारे पास होते हैं फिर सब वन बाय वन फर्दर मैं आता जाऊंगा। तो अभी तो ये वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं और उसको वेरिएबल्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में जो है वो मैं जो है वो स्ट्रिंग फंक्शंस पे आऊँगा और स्ट्रिंग के फंक्शन में आपको समझाऊँगा साथ साथ। तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, कोई भी इशू होता है तो मुझे कमेंट करें, मेरा चैनल पसंद आए उसको सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें, और ताकि आपको नोटिफिकेशन भी साथ साथ आती रहे। मैं फर्दर जैसे भी टाइम मिलता है मैं कोई ना कोई रिकॉर्डिंग करता रहता हूँ इसके अंदर। तो अभी तो पैथन पे आऊँ तो इंशाल्लाह इस पैथन को मैं फ़ाइनल करूँगा और उसके बाद फिर जो है, लेकिन साथ साथ अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट आती है तो मैं उस ट्रेनिंग पे भी आ जाऊँगा, आपको उस ट्रेनिंग दे दूँगा। तो ये मैं सबके साथ ऐसा ही है। तो अगर मेरे चैनल पसंद आए तो उसे सब्सक्राइब करें, और कुछ भी अगर पूछना हो तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसी कमेंट्स के अगेंस्ट में आंसर जो रिप्लाई दूंगा। और जो कोई नए टॉपिक पे अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए, आप कोई चीज़ मुश्किल लगती है किसी में भी एक्स वाई जेड, तो देन आप उसमें ज़रूर मुझसे कमेंट्स करें, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन जो है शायद ट्रेनिंग की शिकल में दूंगा। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग में इंशाल्लाह मुलाकात होती है।